मैं भी एक दफ़ा सेक्सुअली हरास हो चुका हूँ, मुझे खुसरे ने किया था मरी में। चलो जी, मामला थोड़ा नाजुक है और बड़ी देर से सोचा था कि इस मौजू पे बात करूँगा। लोग काफ़ी हसास हैं इस मौजू पे, तो इसलिए थोड़ी देर अपने ख्यालात इकट्ठे किए और अब आपके सामने पेश हूँ। आइए बात करते हैं ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। आजकल हमारे सामने बहुत से केसेस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। कुछ मशहूर केसेस हैं जिनके बारे में आप न्यूज़ में देखते रहते हैं, और बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हर इंसान में हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आके बोले, ख़ास तौर पर ख़वातीन, क्योंकि इस समाज में उनका इन बातों को सामने लाना बेइज्जत होने से जोड़ा जाता है। फलानी आंटी कह देती हैं कि बेटे चुप हो जाओ, ये मसला खुद ही चला जाएगा, बदनाम ना हो जाओ कहीं, लोग क्या कहेंगे। खैर, लोगों का तो काम ही है कहना। 2017 के ट्रिब्यून के आर्टिकल में लिखा है कि 93% वुमेन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन पब्लिक स्पेसेस इन देयर लाइफ टाइम। और स्टैटिस्टिक्स एक तरफ, मेरी जो इनफरादी तहकीक भी रही अपनी दोस्तों के साथ, जब मैंने उनसे पूछा है बैठा हूँ, तो पता चला है कि ज़्यादातर लड़कियाँ जो मेरी दोस्त हैं उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन हो चुकी है। तो ये तो बात हो गई सच, आप जितना भी डिनाई करना चाहें अब आपको ये बात पता है। इस मसले में दोनों जेंस शामिल हैं, मतलब कि तीसरा जेंस भी हो सकता है, मगर इक्वेशन फिर भी दो हिस्सों में ही तकसीम होती है कि एक तरफ मुजरिम है और एक तरफ मजलूम, एक तरफ क्रिमिनल है और एक तरफ विक्टिम है। तो शुरू में मैं विक्टिम होते हुए खुद मजलूमों से मुखातिब हूँ। देखो, बात यह कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि ख्वातीन के साथ ज़्यादा ज़्यादती होती है, मगर ये मशवरा किसी भी विक्टिम की मदद करेगा। मतलब कि कोई भी इंसान जो अपने आप को मजलूम पाता है या उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी मदद होगी इससे। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ बुरा सलूक करता है, यानी कि उनका बर्ताव आपके साथ काबिल एतराज़ है, यानी कि बदतमीज़ी करते हैं आपके साथ। हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बॉस हों जो आपके साथ बदतमीज़ी करते हों। पहली दफ़ा बदतमीज़ी करते हैं आप नोट कर लेते हैं, दूसरी दफ़ा बदतमीज़ी करते हैं आप फिर नोट कर लेते हैं, तीसरी दफ़ा बदतमीज़ी करने पर अगर आप उस एतराज़ का इजहार नहीं करते जो आपको उनके बर्ताव से है, तो आप मजलूम बन जाते हैं और वो मुजरिम बन जाते हैं। वो इतना जानते हैं कि आप सह लेंगे और वो ये करते रहेंगे। फ़र्ज़ करते हैं आप जवाब दे देते हैं, आप बोल देते हैं, बोलते वक्त आप जज्बाती हो जाते हैं, आपकी आवाज़ लरजाती है, आपके हाथ कांपते हैं, आप जज्बाती हो जाते हैं, अल्फाज का सही चुनाव नहीं करते, दलील सही तरह पेश नहीं करते। हो सकता है वो इंसान गुस्से में भड़क उठे, हो सकता है वो आपके एतराज़ पे एतराज़ करे, हो सकता है वो आंसू बहाने लगे। इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद ही आपको मौका मिलेगा उनके बर्ताव की इसलाह करने का, और उस वक्त आपको चाहिए होंगे अल्फाज जिनके ज़रिए आप कोशिश कर सकते हैं उनके बिहेवियर की करेक्शन करने की। ये आवाज़ बेहतर से बेहतर डेवलप करने के लिए आपको इतराज़ात पे बोलना होगा। यहाँ पे आपको हिम्मत करनी होगी, गुस्से से नहीं डरना, आंसुओं पर रहम नहीं खाना, हर आर्गुमेंट के लिए दलील पेश करनी है। लोग अपनी ज़िंदगी में ये नहीं करते और उनके मसाइल इकट्ठे होते जाते हैं कि एक दिन वो अपने आप को अपनी ही ज़िंदगी का मोहताज पाते हैं। एक गुलाम, गुलामी ज़हनियत से अपने आप को निकालना है, क्योंकि जब तक आपकी गुलामी ज़हनियत रहेगी तब तक आप अपनी ज़िंदगी में मुजरिम ही पैदा करेंगे। तो और कोई हल नहीं है, दलेर होना होगा। यह आपकी ज़िंदगी है, किसी और के खेल का मैदान नहीं, तो बोलो। ये तो था मजलूम के लिए मशवरा, लेकिन दूसरी तरफ आते क्रिमिनल, यानी कि मुजरिम जिसने सेक्सुअली हरास किया है। वो मैं भी एक दफ़ा सेक्सुअली हरास हो चुका हूँ, मुझे खुसरे ने किया था मरी में। प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो नहीं था, जारी बात है, खुसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना अब अजीब लगता है, तीसरा जेंस कहना चाहिए। खैर, इस वक्त मैं सेक्सुअल हरासर से मुखातिब। लो जी, हरासमेंट हुई है, क्या ये गलती थी या जुर्म? मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर का एक एरर है ना, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या नौयत है? मतलब कि क्या आपने लड़की को छेड़ा ये सोचते हुए कि उसको पसंद होगा? ऑल बॉयज़ स्कूल में, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, जहाँ पर लड़कियाँ बातचीत करने को हमें नहीं मिलती थी, वहाँ पर हम बॉयज़ यही सोचते थे, अगर आप लड़कों को एक कमरे में बंद कर दें तो वो ऐसी ही बातें करते हैं, इसको लॉकर रूम टॉक भी कहा जाता है। बदकिस्मती से ये बदी और बुराई हम मर्दों को अपने विरसे में मिली है, यानी कि ये हमारी फितरत का भी हिस्सा है और ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, और एक हद तक हम अपने अंदर इसी से लड़ते रहते हैं। ये जो मर्द और औरत के बीच में कशिश है, इसके भी दो पहलू हैं, एक वो जिससे आपको अपना जीवन साथी मिलता है, और दूसरा वो जो आपको रेप और सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ लेके जाता है। और हमें इस पर काबू लाना है, अपनी शख्सियत को कायम रखना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई, ये इस्लाह के काबिल चीज़ है, यानी कि जो इंसान इग्नोरेंट है उसको तो करेक्ट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आपको डोमिनेट करने में मज़ा आता है, आपको लड़कियों से कोई हमदर्दी नहीं है, तो आप एक नफसियाती मरीज़ हैं और आपको बंद कर देना चाहिए। वैसे भी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, आप एक घटिया आदमी हो, आपको इस चैनल से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
खैर, तो फिर आपको क्या करना चाहिए अगर आपको कोई हरास कर रहा हो? आप उसको जवाब दें। अगर आप में अभी हिम्मत नहीं है तो कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें, अनोनिमसली अपनी कहानी बयान करें, लोगों को हकीकत देखने को मिले और शायद हमारी सपोर्ट से आपको वो हिम्मत मिल जाए कि आप अपने हरासर को जवाब दे सकें। ये मर्ज़ हमारी सोसाइटी में इतना फैल चुका है कि अगर हम ये जंग अभी नहीं लड़ेंगे तो सारे ही मज़लूम हो जाएंगे। खैर, ये मेरे लिए बहुत एक अहम बात थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मूरू आउट। खैर, ये थे मेरे ख्यालात सेक्सुअल हरासमेंट पे। अब मैं आपके भी ख्यालात सुनना चाहूँगा, तो नीचे ज़रूर इनका इजहार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।